मैनेजर एट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फोर्टिस गुड़गांव। आज आपसे डायबिटिक डे के टाइम पे हम इस मधुमेह की बीमारी को रोकथाम के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए हम किस तरीके की खुराक खाएं, आज आपसे इस बारे में बात करेंगे। मधुमेह, जैसे कि हम सब जानते हैं, डे बाय डे हमारा ये डायबिटीज की प्रॉब्लम एज के हिसाब से बढ़ रही है। तो डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं बात करूँ तो कुछ इजी टिप्स जो हम इसके कंट्रोल कर सकते हैं या इसकी रोकथाम में मदद कर सकते हैं, वो ये है कि एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट, यानी कि सही मात्रा में खुराक, यानी कि अनाज, प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे कि दालें, दही, दूध की बनी हुई चीज़ें, पनीर, इस तरीके की चीज़ों का अच्छा सही सेवन करें। इसके अलावा चिकनाहट की मात्रा कम से कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल रोकथाम जीरो चिकनाहट कभी भी एडवाइस नहीं किया जाता है, बिकॉज फैट सोल्यूबल वाइटमिन की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे को वसा की जरूरत होती है, तो चिकनाहट को कंट्रोल में रखें। जितने भी डब्बा बंद या प्रोसेस चीज़ें हैं उनका सेवन कम से कम करें, और साथ ही साथ हरी सब्जियों का और सीजनल की सब्जियों का सेवन जरूर करें। आज के एक दिन में हम ये चलन देख रहे हैं कि हम विदेशी सब्जियों, बिना सीजन की सब्जियों पे बहुत एम्फोसाइज कर रहे हैं, जो कि एक सेंस में लॉजिक नहीं है। और जितनी सीजनल सब्जियों का हम सेवन करते हैं उतना ही हमारे शरीर को फायदेमंद होता है। इसके अलावा प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इंडियन फूड्स आर लैकिंग इन द प्रोटीन कॉम्पोनेंट। सो वेन वी हैव अ गुड प्रोटीन, एंड लास्ट ईयर रिसेंट स्टडीज हैव शोन, when you have a good protein rich snacks like nuts, sprouts, roasted chana, bhuna chana, ye jab hum protein rich snacks ka sevan karte hain to isse uncontrolled diabetes ko control karne mein bahut hi madadgar sabit kiya gaya hai। iske alawa achhi matra mein hum pani yani hydration ka dhyan rakhe, aur khuraak ke sath sath physical activity at least aadha ghante se pona ghanta, जिसमें एरोबिक और एनएरोबिक यानी बॉडी टोनिंग एक्सरसाइजेस भी हम करें, बिकॉज ज़्यादातर हम इंडियंस में पेट का जो घेरा बढ़ जाता है, यानी जो हमें वेस्ट सर्कमफेरेंस ज़्यादा होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो डाइट के अलावा वहाँ की मसल्स और वहाँ की एक्सरसाइजेस के बिना कंट्रोल इंचेस नहीं हो पाते। तो हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट तीनों मिलाकर के ही हम डायबिटीज की रोकथाम में सहायक हो सकते हैं। शुक्रिया।